दोस्तों आज मैं आपको एक भी लोन ऐप के बारे में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा आपको वेबसाइट के बारे में, ऐसी दो न्यू वेबसाइट जहां पे आपको आधार देना है, पैन कार्ड देना है और आप इजीली 4000 का लोन अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना है, जीरो डॉक्यूमेंट या जीरो पेपर वर्क पे आपको 4000 का लोन डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू मिल जाता है। यहाँ पे सिविल की भी कोई खास जरूरत नहीं है और बहुत ही कम ब्याज पे आपको यहाँ पे लोन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना है, वेबसाइट पे जाइए और कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होंगी, आधार कार्ड पैन कार्ड लगाइए और आपको यहाँ से 4000 का 5000 का लोन मिल जाएगा। लोन इससे ज्यादा भी कहीं मिल सकता है, लेकिन फिलहाल छोटा लोन लेना है तो ये उसके लिए बहुत ही बेस्ट वेबसाइट। अगर आपको बड़ा लोन लेना है तो आप ऐप पे जा सकते हैं, जैसे टू बैलेंस, नावी, मनी व्यू, इस तरह से, ठीक है। तो ये वेबसाइट है कौन सी, आज मैं आपको इन्हीं दो न्यू वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप 4000 का लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऐड लिख के आ रही है @vinayl0। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया, उसमें भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वीडियो को काट काट के देख रहे हैं और लोन के लिए अप्लाई कर दिया, लोन आपका रिजेक्ट भी हो सकता है या कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वो क्या है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आप सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर चलिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप यहाँ पे वेबसाइट से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी जिसका नाम है moneymate.in, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए moneymate है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 20000 का लोन यहाँ पे दिखा रहा है, 30 मिनट के अंदर मिल जाएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ अपने मोबाइल नंबर से मतलब जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खैर मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको पूरी सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मतलब मिनिमम अगर बात करूं तो 10000 तक का लोन इजीली आप ले सकते हैं, लेकिन 2000-3000-4000 तक का अगर ये छोटा लोन चाहिए 5000 से नीचे का तो आपको यहाँ पे बहुत जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दिखा तो रहे हैं 6500 तक का, लेकिन हमें इससे मतलब ये दिखाना और मिलने में अंतर होता है, ठीक है ना। नावी भी दिखाता है कि 20 लाख तक का लोन ले लीजिए, लेकिन मिलता तो वहां पे वही 4 लाख का, 3 लाख का, मैक्सिमम 5 लाख तक का ही लोगों को वहां पे मिला है। टर्न टाइम की बात कर लें, यहाँ पे 1 से 3 घंटे का टर्न टाइम इजीली मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें इसके एनबीएफसी की, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पार्टनर, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो उसका पार्टनर है मतलब लैंडिंग पार्टनर जो आपको लोन प्रोवाइड करेगा, जयनाथ फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे देखिए 3 घंटों पर क्लिक करके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, इस तरह से यहाँ पे आपको पूरी जानकारी और मिल जाएगी। अब देखिए पर्सनल लोन डाउनलोड ऐप, ऐप को डाउनलोड कहाँ से करेंगे, ऐप इसी वेबसाइट से ही डाउनलोड होगी, इसकी ऐप कोई प्ले स्टोर पे नहीं है। तो एक ये पहली वेबसाइट है जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, 4000-5000 के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब इंस्टॉल करोगे तो ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड ही लगाना है, आधार कार्ड को ऑनलाइन ओटीपी के मतलब से वेरीफाई करेगी। ये ऐसा नहीं कि केवल फोटो क्लिक करवा ले, कोई फ्रॉड या वेबसाइट नहीं, कोई फ्रॉड ऐप नहीं है। यहां फिर से कह रहा हूं कि आपके आधार को ओटीपी के माध्यम से ये वेरीफाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरी वेबसाइट पे। तो दोस्तों ये है हमारी दूसरी वेबसाइट जिसका नाम है Credito24, और ऊपर वेबसाइट आप चेक कर सकते हो, Credito24.in के नाम से ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप मैक्सिमम 40000 और मिनिमम 1000 का लोन ले सकते हैं, लेकिन देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 40000 का लोन मिल जाएगा, हाँ 1000-2000-4000 तक का इस तरह का छोटा लोन मिल सकता है अगर यहाँ से अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, थोड़ा आगे बढ़िए, अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पैन नंबर है, और फिर आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, ओटीपी के आधार से वेरीफाई कराया जाएगा, सारे काम होंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा, लोन एग्रीमेंट लेटर भी आपको यहाँ पे मिलने वाला। अब मैं दिखा दूं इसकी जो एनबीएफसी वो क्या है। दोस्तों इसकी एनबीएफसी यहाँ पे साफ साफ ये हुआ लैंडिंग पार्टनर जीएसटी ट्रेडिंग एंड फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, ये देखिए जीएसडी फाइनेंशियल जो एनबीएफसी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल चुकी है। जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे हमको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सर अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ पे देखिए जीएसडी फाइनेंस सब कुछ लिख के आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए 3 नंबरों पर क्लिक करेंगे और लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर की बात करेंगे तो देखिए Credito24 का नाम लिख के आ रहा है। तो उससे क्लियर होता है कि जो Credito24 की एनबीएफसी वो एकदम सही है जीएसडी फाइनेंशियल, ठीक है। तो ये दो जो वेबसाइट मैंने बताई है Credito24 और moneymate, यहाँ पे आप 4000 का 5000 का लोन ले सकते हैं ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड पे। इनमें कॉमन बात ये है कि आपको कोई भी यहाँ पे इनकम प्रूफ नहीं देना है, जीरो सिविल पे और बहुत ही कम ब्याज पे लोन मिल जाएगा, और दोनों की दोनों वेबसाइट आधार कार्ड को ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करती है। तो उससे ये क्लियर होता है कि हाँ ये वेबसाइट एकदम जेन्युइन है, क्योंकि जेन्युइन जो वेबसाइट या ऐप होती है वही आधार कार्ड को ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करती है। गवर्नमेंट जो होती है आधार कार्ड को वेरीफाई करने का जो प्रोसेस होती है ना ओटीपी के माध्यम से, हर किसी को नहीं देती है, मतलब ध्यान रखें। फ्रॉड ऐप में क्या होता है,
कि केवल आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो क्लिक करवाते हैं तो साफ लगता है कि हाँ ये फ्रॉड ऐप है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना था कि आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं और ये एनबीएफसी अप्रूव भी है, लेकिन क्या होता है कि दोस्तों ये वेबसाइट है, यहाँ पे हम इस पर ज्यादा भरोसा इसलिए नहीं कर सकते। मैंने खुद इस पर ट्राई किया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको ये लगता है परसेंट की यार की फ्रॉड ऐप की तरह कुछ काम कर रही है। अब जबकि ये आधार कार्ड को ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कर रही है तो हम ये भी नहीं कह सकते यार ये एकदम फेक है, फर्जी है, क्योंकि भाई जो ओरिजिनल वेबसाइट होगी, जो ओरिजिनल बैंक होगा, जो ओरिजिनल चीज होगी ना, वही आधार को ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करेगी, तो ये जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अलग फोन लीजिएगा, उस फोन में आपको कोई भी पर्सनल डेटा ना हो, जैसे कॉन्टेक्ट, आपका फोन नंबर, आपका व्हाट्सएप, आपका बैंक के मैसेज वगैरह कुछ ना हो, वहां पे आप वेबसाइट को ओपन करिएगा और लोन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको लोन मिल जाता है अच्छी बात है, ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हमारे दिमाग में हो सकता है कि हमको ये डर लग रहा है कि आपके डेटा को हैक ना कर लिए, लोन आप लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, लोन अप्लाई नहीं हुआ, आपके डेटा को हैक कर लिया, तो वो एक मानसिक टेंशन खत्म हो जाएगी कि हाँ भैया मैंने लोन के लिए अप्लाई कर लिया, लोन मिल गया, अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि आपका पर्सनल डेटा ये नहीं चुरा पाएगी क्योंकि आप दूसरे फोन से अप्लाई कर रहे हैं लोन के। बस आपको इतना काम करना है क्योंकि मैं आपकी सेफ्टी को लेकर चल रहा हूँ, बात खत्म होगी। वैसे अभी तक शिकायत तो इतनी नहीं आई है, ठीक है, आई है लेकिन इतनी नहीं आई है कि भैया क्या आया, इसने डाटा हैक कर लिया, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, फोटो की तरह ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई एनबीएफसी अप्रूव्ड है, चाहे भले वो छोटी एनबीएफसी है, आपने नाम नहीं सुना होगा लेकिन ये एनबीएफसी अप्रूव्ड है। दोनों ही ऐप पे जब अप्लाई करेंगे तो आधार कार्ड को ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। आप समझ सकते हैं कि ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करा जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी भाई, फ्रॉड ऐप तो ऐसे कर नहीं सकती, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं ओरिजिनल है। तो बस अप्लाई करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि अलग फोन में ट्राई करिएगा, लोन मिले ना मिले वो बात नहीं, लेकिन आपकी डेटा की और आपकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। उम्मीद है पूरी बात समझ गए होंगे। तो एक यही दो तीन वेबसाइट है, एक वेबसाइट और है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा अभी काम चल रहा है तो अभी वो काम नहीं कर रही है। तो इन दो वेबसाइट से आप घर बैठे 4,000 का लोन इजीली ले सकते हैं। दो ऐप और सजेस्ट कर दे रहा हूं जहां से आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के लोन मिल जाएगा, और ये तो ट्रस्टेबल ऐप है, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके अप्लाई कर देना, मेरी इतनी बात मान लेना। ट्रू वैलेंस, आंखें बंद करके अप्लाई कर दो, 15,000 का लोन घर बैठे ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड मिल जाएगा। इसी तरह से नावी से भी आप जो है 25,000 का लोन 9 महीने के लिए घर बैठे ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड पे ले सकते हो। मजे की बात तो यह है कि कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है, आपको 15-20,000 का लोन चाहिए पूरा का पूरा अकाउंट में आएगा। हाँ, ज्यादा लोन अमाउंट अगर बढ़ जाती है तो ये प्रोसेसिंग फीस काट लेते हैं, वो भी काटती है ट्रू वैलेंस, ना भी तो तब भी नहीं काटती है। 25,000 का लोन पूरा पूरा आपके अकाउंट में आएगा, जीरो प्रोसेसिंग फीस में। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूं, और भी लोन ऐप्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां से भी आप लोन के लिए ट्राई अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों उम्मीद है आपको कुछ जानकारी मिल गई होगी, तो इसी के साथ मैं चलता हूं। जाने से पहले हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।